एवरीवन, हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड माय यूट्यूब फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं निकली हूँ ईद की शॉपिंग के लिए, और ईद की शॉपिंग के लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अनारकली बाज़ार में जा कर देखूँ। एक्चुअली पहले मुझे था फिक्र कि मैं सलमान का पहले शॉपिंग कर लूँ, उसकी पहले इंपॉर्टेंट है शॉपिंग, उसके बाद मैं अपनी शॉपिंग करूँगी। तो आज का व्लॉग में मैं शॉपिंग जो है वो बच्चों के हिसाब से शॉपिंग आपको दिखाऊँगी, अपने बेटे की शॉपिंग। और अभी देखेंगे वहाँ जाके कि कुछ पसंद आता भी है या नहीं, और क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल, क्या स्टाइल है और क्या फैशन है। सो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये उस दिन की है जिस दिन हड़ताल का दिन एंड हुआ था, यानी कल का दिन, डे बिफोर टुमारो। सो तब की थी जब एकदम से ज़िंदगी दोबारा से रवानगी पे आई थी, जब TLP और ने के मुज़ाकरात की करारदाद पेश हुई थी उस दिन के से, जब हड़ताल से अगले दिन जब ओपन हुआ था सारा कुछ और सब बाज़ार खुल गए थे, सब कुछ ओपन हो गया था, ट्रैफिक बहाल हो गई थी, ये उस दिन मैं निकली थी। तो साथ में आपको दिखाऊँगी कि रश कितना ज़्यादा था या कम था, और क्या सूरत हाल थी वहाँ मार्केट्स की भी और लोगों की भी। वैसे बहुत कम ही लोग थे जो वहाँ पे, आप देख सकते हैं सुनसान पड़ा है, बहुत कम लोग निकले थे। बाज़ार मार्केट सारी खुली थी क्योंकि ऑब्वियसली उनकी भी रोज़ी रोटी की बात है, लेकिन लोग कम थे। अब ये मैं एंटर हो गई हूँ बाज़ार में और यहाँ से देखते चलते हैं। ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो, लेकिन हम अपना व्लॉग आगे की तरफ लेके जाते हैं। ये सलमान के लिए मैं देख रही थी, ये भी बहुत प्यारे यहाँ पर स्टफ टॉयज थे। लेडीज है, इसको तो भी लगाया भी नहीं है, बाहर इसके अलावा और भी डिजाइन आपको दिखा देता हूँ। Thank you.
भी। इमरान 5 से 6 साल के बच्चे के सलवार पीस दे। कॉटन डिजाइन दिखा, प्राइस क्या है इसकी? साइज मुख्य भाई 1390, 1450, 1200, 1200। इसकी क्या प्राइस? फ़र्स्ट डे के लिए ऑब्वियसली ट्रेडिशनल एक शलवार कमीज चाहिए थी, लेकिन मुझे यूनिक स्टाइल की चाहिए थी सलमान की, वरना तो वही सिंपल कढ़ाई और गला बाजू वही सब जगह पड़ा हुआ था। तो अभी मैं आगे भी सर्च करने आई हूँ, इस शॉप में भी जाके देख रही हूँ, यहाँ पे भी वैरायटी है लेकिन वही काफ़ी पुराना ही स्टफ़ है। ये आप देख सकते हैं वैरायटी, साथ चेक कर सकते हैं शलवार कमीज़ और कोटी। मैं भी कोटी वाला ही चाहिए लेकिन ज़रा डिफरेंट सा, जो स्टाइलिश सा और यूनिक सा। ये तो वही काफ़ी हर ईद पे यही पड़े होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शेरवानी वगैरह जो शादियों पे लोग पहनते हैं बच्चे। वैरायटी आप चेक कर सकते हैं, साथ साथ मेरी भी शॉपिंग हो रही है, और साथ साथ आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट्स में कौन सी वैरायटी अवेलेबल है आपकी किड्स के लिए। अच्छा जी, ये मैं चेक कर रही थी, 2-3 मैंने स्टाइल देखे या अच्छा तो लगा था, लेकिन ये भी ज़रा नॉर्मल ही था, एक कैजुअल टाइप का। और ये जो भाई साहब हैं, ये सेल्समैन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉल आ गई थी, तो वो साथ में वो उस भाई सुन रहा था, लेकिन है ये आप देख सकते हैं वैरायटी मुझे अच्छी लगी थी। तो समर सीज़न के लिए तो बहुत अच्छे हैं कि मतलब एक सिंपल सी शलवार कमीज़ बच्चे को बहुत अच्छी लगती है, ट्रेडिशनल जैसे जुमा पढ़ने जाते हैं तब भी बच्चे पहनते हैं, और वैसे भी समर में अक्सर पहन लेते हैं, ओकेजनली ही तो वो पहन सकते हैं। ओकेजनली जो है वो ज़रा समय से मुझे चाहिए था कि ओकेजन के हिसाब से, ईद के हिसाब से ज़रा सा अच्छा हो स्टाइलिश। तो अभी देखते हैं आगे भी।
आपको नज़र आ रही थी ब्लॉग में वो सारी उनकी थी जो शॉपकीपर्स थे या सेल्समैन थे, लेकिन लोगों का बहुत कम रश था। देखिए आप बिल्कुल हाली हाली था लेकिन शॉप सब खुली हुई थी। तो ये सूरत हाल थी वेरी नेक्स्ट डे की, जिस दिन हड़ताल थी उससे वेरी नेक्स्ट डे की। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बल्कि जब मैं निकली थी उस टाइम उससे थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, हल्की हल्की कलियाँ पड़ रही थी और बहुत ठंडी हवा थी। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, अभी भी इस टाइम भी बाज़ार में इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि जैसे हल्की हल्की सी सर्दी लग रही थी। तो मौसम बहुत अच्छा था और शॉपिंग का मज़ा आया, और साथ में मैं आपको वैरायटी भी दिखा रही हूँ। वहाँ से मैंने सलमान का जो है एक शलवार कमीज जो मुझे चाहिए थी वो ली है, बाकी उसके ऊपर जो कोटी है वो मैं सेपरेट अलग से लूँगी जो उनसे भी। यहाँ से मैंने मतलब मैं खुद उसका पूरा डिज़ाइन करूँगी एक तरह से, लेकिन ये कि यहाँ से मैंने सलमान के कुर्ता शलवार ले ली है और नारकली से बहुत अच्छी मिलती है। जेंट्स की कुर्ता शलवार जो है वो अच्छी जो आपको नारकली से मिलती है। तो अभी यहाँ से वापसी है घर की तरफ, और अभी ये 6:00 से पहले ही 5:30 बजे यहाँ पर इतना मतलब आप देख सकते हैं कि लोग फ़ौरन से अपनी शॉप्स बंद करने लग गए थे क्योंकि टाइम हो गया था 6:00 बजे। लॉकडाउन की वजह से आप 6:00 बजे बाज़ार बंद हो जाते हैं, तो यहाँ एक शॉप कीपर जो है वो हफरा तफरी वाला हिसाब हो गया था कि वो उनको जल्दी पड़ गई थी। आप देख सकते हैं कितनी दुकानें तो बंद हो भी चुकी थी ऑलरेडी। ये अभी सिर्फ 5:30 टाइम का टाइम था, अभी 6:00 बजे नहीं थे बजने वाले थे और शॉप्स बंद होनी शुरू हो गई थी। तो ये हिसाब था कि अब आपको अगर इन डेज़ में अगर जाना है शॉपिंग के लिए तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि 6:00 बजे सब बाज़ार बंद हो जाते हैं, और इस वजह से आपको जल्दी शॉपिंग करनी पड़ेगी। ये